हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे बेटा। क्लास 9 क्लास 10th की बात कर रही हूँ। क्लास 10th चैप्टर 1 केमिकल इक्वेशन रिएक्शन का पार्ट 2 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 1 में आपको अपलोड कर चुका हूँ, सॉरी फॉर द डिले बेटा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो को लास्ट में बताया था कि हम पढ़ेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन को हम कैसे बैलेंस करते हैं, बहुत अच्छा और सुंदर तरीका है मेरे पास जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। और दूसरा ये भी पढ़ेंगे कि हमें केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की जो नीड है वो क्यों हुई, क्यों बैलेंस किया गया। ठीक है, चलिए पहले टॉपिक को पढ़ते हैं। टॉपिक हमारा हाउ टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस किया जा सकता है। मैं जस्ट एक एग्जाम्पल के लिए कोई भी इक्वेशन ले सकते हो आप, मैंने इक्वेशन ली है तो बेटा ध्यान समझना। फिलहाल तो हम कुछ नहीं करेंगे, फिलहाल जो हमें एक टेबल बनाई है उस टेबल से थ्रू आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आई होप आप समझ पाएगी। देखिए देखिए आपके पास बेटा ये रिएक्शन है, ये आयरन है, ठीक है, ये वाटर है आपका, और ये आपका ऐसा बोल दीजिए फेरिक ऑक्साइड है। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड या फिर ऐसा बोल दीजिए ये आपका आयरन ऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? आयरन ऑक्साइड। और ये आपका फिर वो हाइड्रोजन गैस। ठीक, चलिए ये इतना मैटर नहीं करता, मैं बताता हूं उसका रीजन। चलिए देखिए, आयरन की रिएक्शन जो हमने वाटर से के साथ कराई, ये रिएक्शन हमने जो वाटर के साथ कराई तो मिला आयरन ऑक्साइड या फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रोजन गैस वहां से रिमूव हो गई अलग निकल गई। बेटा फेरिक ऑक्साइड कितना था? फेरिक ऑक्साइड के एलिमेंट यहां कितने हैं? जब ये रिएक्टेंट पार्ट था, ये क्या पार्ट था, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया था कि रिएक्टेंट ये होता है और ये वाला हमारा क्या होता है, ये वाला हमारा होता है प्रोडक्ट। क्या होता है बेटा जी? प्रोडक्ट। क्या होता है? प्रोडक्ट। चलिए साफ दिखा दे, क्लियर दिखा दे रहा हूं। चलिए प्रोडक्ट हो गया जी। प्रोडक्ट आपने देखा कि एलिमेंट में ये एलिमेंट थी, यहां इसका एलिमेंट कितना है? Fe का जो एलिमेंट था मान था, यहां Fe का एलिमेंट कितना हुआ? 3 प्रोडक्ट के अंदर। अब H हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन कितना था? 2। और यहां कितना हाइड्रोजन? 2। यहां भी कोई दिक्कत नहीं है, तो बैलेंस है। यहां O 1 है और यहां O 4 हो गए। देखिए बेटा वर्ड यूज कर रहे हैं केमिकल बैलेंस, जब तक बैलेंस नहीं होगी तब तक रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी। फर्स्टली तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करने के लिए जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है वो दोनों इक्वल होने चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 3 मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 हो गया। अब देखिए बेटा अगर मैं समझा दूंगा आपको थोड़ा सा, इससे मैं अगर इसमें मैं 3 मल्टीप्लाई कर रहा हूं तभी तो मुझे 3F मिल रहा है। अब हाइड्रोजन यहां था, हाइड्रोजन यहां था, लेकिन O को मैं बैलेंस करना चाह रहा हूं 4। O यहां कितना था? O यहां कितना था बेटा? 1। लेकिन मैंने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो O तो मेरा बैलेंस हो गया, लेकिन S को गड़बड़ा गया, यानी हाइड्रोजन ने गड़बड़ कर गया, ये गड़बड़ कर रहा है। तो इस गड़बड़ को कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम? इस गड़बड़ को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि हम 4 तो 4 टू जा 8 आएगा, 4 टू जा 8 आएगा, यहां ए नहीं है तो क्या करेंगे, यहां 4 करेंगे तो यहां भी 4 से मल्टीप्लाई, यानी यहां से 2 से मल्टीप्लाई, 2 टू जा 4 और यहां भी 6 से मल्टीप्लाई। बताइए बेटा जी, ऐसे मान लीजिए 8 कर रहे ना, 4 टू 8 तो यहां से 1 से सीधा करिए, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी आपको, यहां भी 8 और यहां भी 2 हो जाएगा। एक बार दोबारा समझिएगा बेटा ध्यान से, बिल्कुल ध्यान समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आयरन की रिएक्शन वाटर से कराई मैंने तो मुझे मिला फेरिक ऑक्साइड और आयरन ऑक्साइड। आपको बता देता हूं ये सॉल्ट होता है एक टाइप का। एफ जो रिएक्टेंट थे पहले यहां स्टार्टिंग में था 1, यहां था ये भी 1, ये 3 पार्ट हो गया एलिमेंट इसका 1, यहां था 3 ये हो गया। पहले फर्स्ट ही ये थे, फिर उसके बाद ये दोनों बैलेंस थे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब हमने ओ को बैलेंस किया, ऑक्सीजन को बैलेंस किया, ऑक्सीजन सिंगल 1 था, यहां 4 हो गया, तो हमने 4 को बैलेंस किया, तो जब 4 को बैलेंस करा तो हमें हाइड्रोजन जो था हमारा वो गड़बड़ा गया, वो गड़बड़ कर गया, वो गड़बड़ कैसे कर गया? चलिए तो वो गड़बड़ कैसे करके, वो गड़बड़ उसका रीजन बेटा ये था कि
यहां तो एस टू टू है, यहां भी टू है, लेकिन जब फोर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे फोर के ये भी सेवन एट हो जाएगा और ये भी एट होना चाहिए, तो फोर मुंगला इसमें करके फोर मुंगला इसमें करके ताकि कोई बैलेंस इक्वेशन हो जाए। चलिए इसे दो बार तरीके से लिखते हैं, मैंने आपको बताया था एस से सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस और एक्वस, एक दूसरे से सिंबल होता है। अब इस इक्वेशन को लिखेंगे कुछ इस टाइप से, मैं आपको लिख के दिखाता हूं। 3Fe ये सॉलिड पार्ट, 4H2O क्या है गैस, बताइए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? नहीं S2 नहीं, S2 गैस होता है लेकिन S2O लिक्विड होगा, तो क्या मिलेगा हमें यहां से Fe3O4, ये क्या हो जाएगा सॉल्ट टाइप का, सॉल्ट क्या होता है बताइए, सॉल्ट होता है हमारा सॉलिड, और यहां से लिख देंगे क्या गैस 4H2O, ये हो जाएगी क्लियर है ना, बिल्कुल क्लियर होगा। चलिए तो मैंने आपको दर्शन बताया, अब आपको बताता हूं एक्टिविटी 1.1 का एक एग्जांपल, प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने कराया भी था, बट लिखवाया था MgO2 रिएक्शन होगी तो आया 2MgO। जब देखा आपने, मैं सिर्फ इसे जनरली ऐसे लिखा है तो आप ऐसे लिख सकते हो कि जो मैग्नीशियम होगा वो सॉलिड होगा और ऑक्सीजन जैसे होती है गैस होती है और 2MgO क्या आ जाएगा एक सॉलिड आ जाएगा, ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया। चलिए ध्यान से देखिए, होगा हम इसको बैलेंस करने जा रहे हैं, हम इसको बैलेंस करने गए, हमने बैलेंस में देखा कि यहाँ जो पार्ट है वो Mg के भी दो पार्ट है और O2 के भी दो पार्ट है, यानी ऑक्सीजन भी दो पार्ट है और कैल्शियम भी दो पार्ट है, इसके तो दो पार्ट है कोई दिक्कत नहीं, तो लेकिन इसके दो पार्ट नहीं तो इसमें टू से मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी टू से मल्टीप्लाई, ये छोटा पार्ट था टेबल बनाने की जरूरत पड़ी, वो बड़ी रिएक्शन थी तो जरूरत पड़ी। तो बेटा अगर आप डेली प्रैक्टिस करोगे, यानी जब डेली का मतलब ये नहीं कि आप डेली इस पे प्रैक्टिस कर रहे हो, लेकिन अगर जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, ज्यादा आपको टेबल की जरूरत ना पड़े, और टेबल भी एक इतनी बुरी चीज नहीं है, आपको बहुत अच्छा लगता है टेबल सिखाने का, रीजन मेरा ये था कि ताकि अगर आपको रिएक्शन काफी टफ आ जाए तो भी आप अपने एग्जाम में एक रफ बेस पर टेबल बनाकर सॉल्व कर सकते हो या बैलेंस कर सकते हो क्वेश्चन को, क्लियर है तो ड्राफ्ट क्लियर आपका यहाँ तो हो गया। चलिए अब पढ़ते हैं व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन। देखिए बेटा अब हम पढ़ने जा रहे हैं का जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो ये है व्हाई डू वी नीड टू बैलेंस ए केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की रीजन क्यों जरूरत पड़ी, तो समझते हैं क्लास 9 के अंदर आपने टॉपिक पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, उसी पे बेस्ड है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है बेटा मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, यानी एक केमिकल रिएक्शन के अंदर ना ही तो मैटर को पैदा किया जाता है उत्पन्न किया जाता है और कैन बी डिस्ट्रॉय, ना तो उसे डिस्ट्रॉय किया जाता है, ठीक है। एक अलग है सो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्वॉल्व इन ए केमिकल इक्वेशन, जो नंबर केमिकल इक्वेशन में इन्वॉल्व होंगे शुड रिमेन सेम एट रिएक्शन एंड प्रोडक्ट साइड, रिएक्शन की जगह रिएक्टेंट लिख सकते हो, रिएक्शन की जगह रिएक्टेंट लिख सकते हो, मैंने मोस्टली ये वर्ड लिया है तो आप ये वर्ड ना लेके ये वर्ड लेना, ठीक है, मैंने सबसे ज्यादा ये वर्ड यूज किया है तो गलती से लिख दिया था, लेकिन अगर उसे लिखे तो भी सही है, ऐसा नहीं है गलत है लेकिन आपको लेना नहीं है, सही है भी सही है भी, लेकिन आपको ये चूज करना है। तो एंड प्रोडक्ट साइड, यानी कहा गया मैंने आपको रीजन बताया था कि जो रिएक्टेंट्स होगा वही प्रोडक्ट में होगा, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट 4 है तो वहां भी नंबर ऑफ एलिमेंट 4 बनाने पड़ेंगे हमें, बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी, अगर है बैलेंस तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर बैलेंस नहीं है तो आपको बैलेंस करना होगा, ठीक है बेटा जी, यहां तक समझ आया, जरूरत पड़ती है। चलिए बहुत अच्छे तरीके से लिखा गया बेटा, काफी बुक्स से नोट्स प्रिपेयर कर जा रहे हैं आपके, ठीक है, बुक्स भी हैं, एग्जाम आईडिया भी है, डिफरेंट ऑथर जो है पब्लिकेशन जो उनकी उनकी बुक्स है, ठीक है, तो आपको एक अच्छा कंटेंट दिया जा रहा है, ऐसी बात नहीं कोई गलत कंटेंट पढ़ाया जा रहा है, आप कहीं भी मैच कर सकते हो। चलिए यहां तो नोट कर लीजिएगा, आगे बढ़ाते हैं। देखिए बेटा हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यहां से बेटा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ऐसा मानकर चलिए आपके एग्जाम में काफी क्वेश्चंस यहां से लगेंगे, ठीक है, काफी छोटी छोटी रिएक्शन भी दी जाएंगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रिडक्शन ऑक्सीडेशन रेडॉक्स रिएक्शन, इस तरीके से नाम से आपने अपने जो
सीनियर होंगे तो सुना भी होगा, और मैं बता रहा हूँ पक्का 100% मिलेंगी मिलेंगी। चलिए टाइप्स ऑफ रिएक्शन हम पढ़ के देखते हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन बेटा फर्स्ट रिएक्शन होगी आपकी द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म ए न्यू सिंगल सब्सटेंस या सिंगल प्रोडक्ट लिख लीजिए आप ऐसे। मान के चलिए कि आपके पास, इससे पहले छोड़ दीजिए यहां समझिए, ए बी को ही कंटेंट थे यानी ए बी को रिएक्टेंट थे ए प्लस बी, उसे एक नया सब्सटेंस मिला, उससे एक नया सब्सटेंस या प्रोडक्ट मिला, ए प्लस बी ने कंबाइन करके क्या बनाया एक सिंगल कंपाउंड, एक सिंगल सब्सटेंस या एक सिंगल प्रोडक्ट क्या नाम आया सी, ए प्लस बी ने रिएक्शन करी सी का। उसको थोड़ा सा एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। बर्निंग ऑफ कोयल, जलना यानी कोयल का जलना, कार्बन डाइऑक्साइड सॉरी कार्बन और जो ऑक्सीजन की रिएक्शन कराएगी, कार्बन हमारा सॉलिड था और रिएक्शन कराएगी ऑक्सीजन गैस से, तो हमें मिली कार्बन डाइऑक्साइड गैस। मैंने लिखने के समझे कि इसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बोलते हैं, सबको पता है सिक्स क्लास से पढ़ते आ जाओ। फॉर्मेशन ऑफ वाटर, फॉर्मेशन ऑफ वाटर बेटा क्या कहता है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर वाटर की जो फॉर्मेशन है, वाटर जो हमें कैसे बना वो समझाता हूँ आपको। एस टू गैस ओ टू गैस और हमें बनाया एस टू लिक्विड। बेटा यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, कभी कभी एमसीक्यू पूछ देता है, आजकल एमसीक्यू का बहुत ट्रेंड चला हुआ है, सीबीएसई ने काफी एमसीक्यू देने स्टार्ट कर दिए हैं, तो पूछ जाता है कि ऐसी दो ऐसी जो रिएक्टेंट्स बताइए जो रिएक्शन करने पर एक लिक्विड पार्ट देते हैं, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि टेंथ क्लास है आपकी, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है मैं मानता हूँ, लेकिन फिर भी आपको समझना तो पड़ेगा कि जब एस टू गैस और ओ टू गैस का रिएक्शन करा जाता है तो एस टू मिलता है वाटर, यानी वाटर हमारा लिक्विड में मिलता है, क्लियर है। चलिए ये हो गया सेकेंड रिएक्शन, देखिएगा डी कंपोजिशन रिएक्शन। देखिए बेटा छोटे से एग्जांपल समझा दूंगा कि ए को एक ही रिएक्शन करा दी, किसी को रिएक्शन करा दी, जब एक ही रिएक्शन करा दी या ए को हीट कर दिया तो वो दो सब्सटेंस में टूट के मिल जाएगा, यानी रिएक्टेंट एक वो सब्सटेंस या प्रोडक्ट दो वो हमें मिलता है, वो ही होती है हमारी डीकंपोजिशन रिएक्शन। द रिएक्शन इन विच ए सिंगल सब्सटेंस डीकंपोजिस टू गिव टू और मोर सब्सटेंस इट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन में तीन टाइप होती है, थर्मल, इलेक्ट्रोलाइटिक और फोटोलाइसिस। थर्मल डीकंपोजिशन, जो थर्मल डीकंपोजिशन होता है बेटा वो होता है, इसमें जो होता है इसमें क्या होता है, इसमें हीट होती है, क्या होती है ये आप देखिए होती है, नेक्स्ट जो स्लाइड लगेगी उस स्लाइड में दिखा दूंगा। थर्मल डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रोलाइटिक, इलेक्ट्रोसी समझ रहे होगे इसके अंदर कि क्या हो रहा होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिक चार्ज होगा, करंट की बात चल रही होगी, ये चार्ज इसकी बात चल रही होगी। फोटोलाइसिस का मतलब समझ रहे होगे कि सनलाइट प्रेजेंट होगा, किसके लाइट में, सनलाइट प्रेजेंट। चलिए ये क्लियर हो गया। अब इन तीनों को मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ाता हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से, इन तीनों को पढ़ना है आपको। चलिए देखिएगा, देखा बेटा ध्यान से, मैंने दो की बात कर ली, थर्मल और डी इलेक्ट्रोलाइटिक। जो फोटो वैसे जो है डीकम्पोजिशन वो मैं आपको नेक्स्ट आता हूँ, बोर्ड में छोटा हो गया। चलिए देखते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन, व्हेन डीकम्पोजिशन इज कैरिड आउट बाय हीट, जो डीकम्पोजिशन हीट को आउट करे, जैसे हीट से कुछ आउट करे, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन हीट कराएगा उसको, और उसने दो जो रिएक्टेंट था उसे दो प्रोडक्ट में कर दिया या दो सब्सटेंस में वो मिला हमें, कैसे, कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम ऑक्साइड मिल गया CaO और CO2, यानी इसे लिख सकता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, मैंने लिखा नहीं था, इसे लिख सकता हूँ कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकम्पोजिशन क्या है, डीकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय अनदर थ्रू द इलेक्ट्रिसिटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी का पास होना, जैसे मैं H2O वाटर है, वाटर को हीट करा गया, वही जो मैंने अभी बताया था रिसेंटली किस इक्वेशन का था, वो थर्मल बेटा फॉर्मेशन ऑफ वाटर का रिवर्स बोल सकते हो आप इलेक्ट्रोलाइटिक को। ये बता रिवर्स बता रहा क्यों बता रहा हूँ, रिवर्स वगैरह ये ऐसे क्यों है, ताकि जो आप पढ़ोगे ना जब आप, तो उसके लिए आपको चीजें इजी लगने लगे कि उसका रिवर्स है, उसका रिवर्स इसमें मिलेगा, उसका रिवर्स इसमें मिलेगा, एक चीज से ज्यादा चीजों को याद करने का तरीका, ठीक है। पढ़ते हो आप भी हो, आपके पास अच्छी से अच्छी बुक मिलेगी, जाएगी आपको मार्केट में ऐसी ऐसी बुक भी मिल जाएगी बहुत अच्छी अच्छी बुक, लेकिन बुक से नोट्स निकालना
60 भी कर मार सकते हो आपके लिए भी और आपके लिए भी, ठीक है। तो नोट्स गलत नहीं बनेंगे, आपको बहुत शॉर्ट लैंग्वेज लिखना हो, ज्यादा बड़ा कुछ लैंग्वेज नहीं लिखवा रहा, समझाने की बातें अलग है, मैं समझा तो काफी अच्छे तरीके से, लेकिन आप जितना समझ पाए उतना अच्छी बात है। क्योंकि बेटा जब हम रिविजन करते हैं ना, जब बोर्ड में बैठते हैं पेपर देने के लिए, तो एग्जाम देते सब टाइम क्या होता है हमारे दिमाग में, हमारे माइंड में ये होता है कि हमारा क्वेश्चन कि हमें हल्का सा क्लू बताओ इस क्वेश्चन के बारे में ये लिखना है तो हम लिख देंगे, होता है। तो मेनली जो बच्चों का होता है ना वो ये होता है कि किसी भी तरीके से हमारा बस हमें हल्का सा क्लू मिल जाए और क्लू मिलते ही हम क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ये होता है ना। तो क्लू मिलना बहुत जरूरी है, और क्लू के लिए आपको वर्ड तो पढ़ने ही होंगे कि इस वर्ड का मतलब क्या है, क्या इसका रीजन है, इस रिएक्शन में क्या क्या रहा है। तो ज्यादा बड़ा लिखवा रहा मैं ये डीकंपोजिशन रिएक्शन ये प्रोसेस वो प्रोसेस कुछ नहीं लिखवा रहा, सिर्फ जो लिखवा रहा हूँ वो मेन लिखवा रहा हूँ, इससे छोटा सॉरी टू से बट मैं नहीं बना सकता, मैं आपसे सॉरी बोलता हूँ, मैं इससे छोटा नहीं बना सकता, बहुत शॉर्ट वर्ड में लिखना आया। मेरा यूट्यूब चैनल नया है इस टाइम, अभी साइंस का सेकंड पार्ट है, सेकंड वीडियो होगी अपलोड, मैं मानता हूँ, लेकिन मैंने जो मेहनत की है स्ट्रगल किया है उससे मैं जितना निकाल पाया आपके लिए वो इतना ही, ठीक है। चलिए देखिए भाई, डीकंपोजिशन एक इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन पढ़ा आपने, व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरीड आउट बाय थ्रू इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू, जैसे H2O लिक्विड है और यहां से मिला H2O गैस और ये मिला O2 गैस, यानी किसके थ्रू मिला है, इलेक्ट्रिक करंट के थ्रू, इलेक्ट्रिक करंट से मिला। चलिए इसका थर्ड पार्ट बच रहा है, उसको और कर लेते हैं बेटा एक बार, थर्ड पार्ट है बेटा इसका फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन, ये नोट कर लिया आपने, चलिए देखते हैं। देखिएगा बेटा ध्यान से देखिएगा बेटा, फोटोलाइसिस डीकंपोजिशन वो डीकंपोजिशन होता है व्हेन डीकंपोजिशन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, जो डीकंपोजिशन सनलाइट की प्रेजेंट में होता हो, किसके प्रेजेंस में बेटा, सनलाइट की प्रेजेंस में। देखिए अगर आपने AgCl सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट की प्रेजेंट में रिएक्शन कराया तो यहां से मुझे मिला सिल्वर अलग और क्लोरीन अलग, ठीक है। ये एग्जाम मोटिव से आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी बार क्वेश्चन यहां से भी बना है, पूछा गया आपसे, बोला गया आपसे अबाउट रिएक्शन इज यूज इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोकॉपी, यानी जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी जो होती है ब्लैक एंड व्हाइट, उसमें कौन सी रिएक्शन होती है या किसकी प्रेजेंस में वो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है, तो वो सनलाइट की प्रेजेंट होती है, कौन सी रिएक्शन है वो, कौन सा डीकम्पोजिशन है, फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन, ठीक है बेटा जी, क्लियर हो गया। देखिए बेटा थर्ड पार्ट हमारा रिएक्शन का डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है बेटा थोड़ा स्लो पढ़ा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा स्लो पढ़ाने का रीजन यही है कि चीजें आपको क्लियर हो जाए, मेरा जो मोटिव है, मेरा मोटिव यही है कि आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन काफी इंपोर्टेंट है, फॉर एग्जाम्पल द केमिकल रिएक्शन इन विच एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड, यानी जब किसी रिएक्शन इन विच एलिमेंट इज डिस्प्लेस बाय अनदर एलिमेंट, यानी जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, भाई यहां से एफी आयरन ये भी और कॉपर ये भी, तो क्या होगा, ऐसा मान के चलिए कि जो आयरन है ना एफी वो हाई रिएक्टिव होता है, मैं उसका रीजन आपको रिएक्शन करने का रीजन पहले बता देता हूं, ये हाई रिएक्टिव होता है और जो सी होता है कॉपर वो लेस रिएक्टिव होता है। बेटा मैं यहां जो कंपेयर कर रहा हूं ना, इस रिएक्शन के लिए कंपेयर कर रहा हूं, ठीक है, हर रिएक्शन के लिए अलग कंपेयर करना पड़ता है। इसमें देखिएगा, जब आयरन की रिएक्शन मैंने CaSO4 कॉपर सल्फेट से कराई तो मुझे मिला आयरन सल्फेट, यानी ये जो कॉपर वाला पार्ट था वो वहां से रिमूव हो गया, ऐसा बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जब एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे, इट्स कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्लियर है, बिल्कुल ओरली बता दिया बेटा आपको, आप पढ़ते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिएगा बेटा, फोर्थ रिएक्शन है हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ए रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड आर फॉर्म्ड म्यूचुअल एक्सचेंज
ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, जब दो कंपाउंड्स के बीच में म्यूचुअल एक्सचेंजेस हो एलिमेंट्स के, तो उस चीज को बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से ही मैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को समझाने की कोशिश करूंगा, समझिएगा एक बार ध्यान से। Na2SO4 सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड की रिएक्शन कराई हमने, उन दोनों की हमने रिएक्शन कराई तो हमें क्या मिला, बैरियम सल्फेट, यानी ये यहां से हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट कर हो गया बैरियम सल्फेट हो गया, और ये हो जाएगा यहां से इसके साथ रिएक्शन सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, क्लियर है? ये हमने इसके नीचे नाम लिख दिया। जब सोडियम सल्फेट की रिएक्शन बैरियम सल्फेट से मिलेगी तो हम क्या मिलेंगे, बैरियम सल्फेट मिल जाएगा, सोडियम सल्फेट मिल जाएगा, एक्सचेंज होता है, यानी ऐसा बोल सकते हो आयन के एक्सचेंज से, आयन के एक्सचेंज से, आयंस के एक्सचेंज से नई प्रोडक्ट को बनना, इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। भाई आयन को है, इसमें मैं आपको बता के चलूं कि ऐसे मान लिए ये बैरियम, ये होता है और Na2 नेगेटिव, ये देखो मेरे यहां आप थोड़ा सा नोट पढ़ा सकते हो या फिर अपने समझने के लिए लिख लीजिए बस। जब इन दोनों से रिएक्शन कराई, इसे इसके पास दो एक्स्ट्रा है, इसके पास दो, मतलब एक के पास दो ज्यादा है, एक के पास दो कम है, तो जब इनका बैलेंसिंग होगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, एक मिनट बेटा, वेट वेट, ये नहीं होगा बेटा, SO4 SO4 नेगेटिव, ठीक है देखो, तो एक के पास दो ज्यादा है और एक के पास दो कम है, ठीक है, एक के पास दो ज्यादा है, एक के पास कम है, तो इस चीज को हम क्या सॉल्व कर सकते हैं, ऐसे सकते हैं कि जब ये इक्वेशन एक अपने आप आपस में रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, BaSO4, BaSO4 क्या मिल जाएगा, बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, और बाकी को हम अलग लिख देंगे। ये समझाने दूसरा तरीका था, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये है कि आयन जो आयंस है उनका एक्सचेंजिंग होगा, जो आयंस है वो एक्सचेंज करेंगे एक दूसरे के साथ, इसका रिएक्शन इसके साथ हो जाएगा, इसके साथ रिएक्शन हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। आई होप जितना मैंने समझाने की कोशिश करी आप समझ पाए, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।